बस मैं बेबी जिमी, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, आज मैं आप सबको बेहद फायदेमंद ऐसा सब्जी के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मशहूर है कि खूबसूरती को बढ़ाना है तो जी टींडे खाइए। वो कैसे? जी जनाब, बहुत कम लोग टींडे पसंद करते हैं। अगर वो इसकी ख्वाहिश जान लें तो इसे ज़रूर खाएँ वो। ये देखिए व्यूअर्स, कितने लवली ब्यूटीफुल से टींडे हैं जी। इनका मिजाज सर्द होता है और गर्म मिजाजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं टींडे। जिनके हाथ पांव जलते हों या गर्म रहते हों और पेशाब जलन से आता हो या गर्मी का बुखार अक्सर हो जाता हो, वो इसे पकाकर खाया करें। जी व्यूअर्स, आपको पता है कि डॉक्टर जो हैं, दिल के पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए रेकमेंड करते हैं टींडे को खाना। वो कहते हैं कि टींडे को खाएं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को ताकत देता है, दिल के जो वाल बंद हो रहे होते हैं उनको मज़ीद बंद होने से भी रोकता है जी। और प्यास की ज़ाती हो, अगर किसी को प्यास बहुत लगता हो, गर्मी के सबब दिमाग बोझल सा हो, असाब की कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, सुस्ती हो, टींडों को मुसलसल खाने से जी तरोताज़गी पैदा होती है और इंसान सेहतमंद तवाना हो जाता है। और दिल तो सेहतमंद और तवाना करता ही है जी, खुशकांसी को भी ठीक करता है जी। टींडे बहुत फ़ायदेमंद है जी, इनमें एनर्जी है, प्रोटीन है, कैलोरीज है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और कैरोटीन है, बहुत कुछ शामिल है जी। टींडा मोटापा भी कम करता है और रगों में चर्बी को जमने नहीं देता है। और वो अफराद जो मोटे हैं वो इसे ज़रूर पका के खाया करें हफ्ते में 2 बार। और जनाब, गोश्त के साथ टींडे को मिलाकर पका कर खाना चाहिए क्योंकि ये गोश्त के जो मुज़र असरात होते हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। टींडे को हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए जो ताज़ा हो। व्यूअर्स, इस तरह के टींडे जो ताज़ा हो, मुझे डाउट हो रहा था कि जो इतने बड़े बड़े से टींडे हैं, मे बी कि ये कहीं अंदर से बीज वाले ना हो, पार्डे ना हो, सख्त ना हो, इसलिए मैंने उसे शॉपकीपर से कहा कि आप मुझे काट कर दिखाइए। तो वैसे ही छोटा छोटा सा टींडा आता है वो बेहतरीन होता है। आई डोंट नो कि किस कंट्री का है ये, देखिए इस तरह की। उसने जब मुझे काट के दिखाया तो मैंने कहा गुड ना, मैंने ले लिए। ये 1 किलो टींडे हैं व्यूअर्स, और 1 किलो से ज़्यादा हमारा मीट है जी, ये है बीफ, और 1 अदद बड़ा प्याज है, ये देख लीजिएगा जी। आपने देखा, तो टींडे को हमेशा पकाते रहना चाहिए। जो चाहते हैं कि लोग हम फ्रेश रहें, तरोताज़ा रहें, हमारा स्किन अच्छा हो और मोटापा भी ना हो, तो टींडे को पकाकर खाया करें। व्यूअर्स, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसे देखकर ख़रीदा कीजिए, ठीक है जी। जिस तरह के मैंने आपको बताए ना, वैसे तो छोटे छोटे से आते थे लेकिन आजकल ये बड़े बड़े से हैं, लेकिन अगर कच्चे हो ना, इस तरह के इनमें बीज ना हो, जब इनमें बीज पैदा हो जाते हैं तो फिर ये इनका फ़ायदा इतना नहीं रहता जितना फ्रेश टींडों का। और जिस दिन आप इसे लेकर आए ना, उसी दिन इसे पकाना चाहिए क्योंकि फिर ये पकना शुरू हो जाते हैं, इनमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। व्यूअर्स, यू नो कि तब्दीली तो आ गई है ना, अब इनमें भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है जी। व्यूअर्स, ये तब्दीली अच्छा नहीं होता, अच्छा तब्दीली आए तो गुड होता है जी। और आजकल महंगाई का तब्दीली आपको पता ही है जी व्यूअर्स, और मौसम गर्मा में गर्म मिजाज के जो हामिल अफराद हैं उनके लिए टींडा अत्यंत खुदाबंदी से कम नहीं है जी। और हाँ, बाज़ लोग इसका छिलके के समेत ही से पकाते हैं जी, और फिर कई, बल्कि मैं भी इसे छील कर पकाता हूँ क्योंकि थोड़े से हार्ड होता है इसका छिलका, तो इसका छिलका ना फेंकिएगा। मैं आपको इसके छिलके के भी बहुत से बेनिफिट बताऊंगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये किन किन अमराज में यूज़ होता है और कितना ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। तो चलें, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे अभी। ये व्यूअर्स, 1 किलो से ज़्यादा मीट है, बीफ है जी, रान का है, रान का लिया कीजिए, मुझे रान का पसंद है तो दस बार मैं रान का ही लेता हूँ। तो अब हम इसे पका लेंगे कुकर में डालकर, मैंने धो लिया था। गुड, अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए, कम से कम 30 मिनट पर बस अच्छा गोश्त गलता है। आई थिंक सो कि इनफ जी, सही है पानी। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है वो साल्ट का डालें,
थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये चम्मच जो है थोड़ा सा छोटा है जी, और ये जब मैं एक दफ़ा इसमें नमक डाल दूँ तो फिर ये पूरा ही हो जाता है। इस तरह से नमक डालिएगा क्योंकि मीट का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है, अदरवाइज़ फीका फीका सा मीट अच्छा नहीं लगता। मीट ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम नमक और ऐड करेंगे। असल में एक्चुअली ये चम्मच जो है ना, ये देखिए लस्सी थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जब आप इसे भर कर डालेंगे तो इट्स गुड। चलिए इसे तैयार करते हैं। मेरा चिंडो को ज़रूर खाना चाहिए, मोटे अफराद को लाजमी खाना चाहिए। चलिए हम इसका अभी कैसे तैयारी करते हैं। आई टेल यू कीप वेटिंग, डोंट गो अवे। बस मीट में पानी और नमक डाल दिया, ऐड कर दिया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जी, ये एक बड़ा प्याज है, ये हमने डाल दिया। अब हम कुकर को बंद करके गोश्त को गला लेंगे। जी भी बस मैंने सारे टिंडों को पील कर लिया है, इस तरह से आप भी पील कर लीजिएगा इस तरह से, देखिए। और इसका छिलका ना फेंकिएगा क्योंकि इसका छिलका बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपको इसके छिलके के मुतालिक भी बताऊंगा कि इसका छिलका कैसे यूज़ करना है और किस किस बीमारी में यूज़ होता है। ये देखिए, अच्छे से इनको पील करके अब हम इन्हें टेंडर कर लेंगे और फिर मसाला बना के इसे ऐड कर लेंगे। जो फैटी बॉडीज है वो इसे ज़रूर खाया करें व्यूअर्स, क्योंकि इससे मोटापा कम होता है। अगर वो ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारा यकीन नहीं है ना व्यूअर्स, जब तक हम टैबलेट को ना खा लें। वो टैबलेट का चार्म होता है ना, उसे ठग करके जो निकालते हैं व्यूअर्स। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने शफा रखा है, लेकिन उसमें केमिकल भी है। ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं सब्जियां फ्रूट केमिकल से पाक हैं। तो ये हमारे ये छिलके हैं इसके। अच्छा, अब हम इसे इस तरह से टेंडर कर लेंगे। ये देखिए, इसीलिए मैंने ये वाला इस तरह का छुरी लिया है। सारे इनको इस तरह से आपने टेंडर कर लेना और फिर हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा, इसमें से अगर कोई पाड़ा निकला है, पक्का निकला है ना, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए जैसे बीज है, तो ये आप इसके बीज निकाल दीजिए। और इसके बीज जो हैं, अगर आपके पास गमले हैं, आप शौकीन हैं कि प्लांटेशन हो, तो आप उसमें डाल दीजिए तो टींडे अपने आप निकल आएंगे। ये देखिए पके में, इसे भी ना फेंकिएगा, इसे भी सालन में ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, सांसे टेंडर कर लीजिए, फिर हम इसे मीट के मसाले में ऐड कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। हाथ बचाइएगा अपना कि आपका हाथ जख्मी ना हो जाए। इसलिए ऐसे टेंडर करते हैं ताकि मसाला जो है ना, नमक मिर्च इसमें रच जाए और ये अच्छी हो जाए। सबसे सबको कर लीजिएगा। ओके, सोके ना ये हो गए, तो जो रह गया आई विल सी लेटर। इसे ज़रूर खाया करें, बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है जी। इसके छिलके को मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसे क्या करना है। सोके ना इस क्लियर। अब इसमें हम डालेंगे चार टमाटर, आप देख लीजिए दरमियाने साइज के। तो व्यूअर्स, मैंने टमाटरों को कभी भी यहाँ से, अक्सर लोग इतना बड़ा ऐसे करके ना टमाटर को फेंक देते हैं, तो
वो भी टमाटर आपको पता है, देखिए नीचे तक इसका ये हिस्सा जा रहा है, आप कितना करके फेंकेंगे ये देखिए। मैंने कभी भी नहीं फेंका, और मैंने टमाटर को हमेशा फ्रीज़ किया होता है, ये फ्रीज़ है, फ्रीज़ टमाटर बहुत अच्छे गल जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने कभी भी इसे रिमूव नहीं किया, क्योंकि ये भी तो टमाटर ही है ना जी। ये देखिए इतना बड़ा, इतना ऐसे फेंक देते हैं इसे, आपको पता है दरमियान में टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं, तो वेस्ट ना कीजिए। ये देखिए हमेशा फ्रीज करके यूज़ किया कि भी बस गोश्त गल गया है, अब हम मसाले ऐड कर देंगे। एक टीस्पून हल्दी, नमक हमने डाल लिया था, एक ही टीस्पून चिल्ली, थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि ग्रीन भी ऐड करना है, इसलिए रेड थोड़ा सा कम। और ये है बादियान और धनिया, बादियान का फूल और धनिया का पाउडर जो मैंने आपको बताया है। और ये जनाब ये है ज़ीरा, एक दो डालेंगे क्योंकि चम्मच थोड़ा सा छोटा है जी। सोके और गरम मसाला, गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे, लहसुन और गरम मसाला, क्योंकि इसका टेस्ट फिर पकाते हुए ख़त्म हो जाता है, इससे जैसे आप एंड में डालेंगे तो खाना बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। ओके लेट्स सी की पहुँचे जी। भी वैसे देखिए गोश्त गल गया है, और जो मैंने प्याज डाला था साबित, ये देखिए कितना अच्छा से गल गया, मैंने कभी भी प्याजों को काटा नहीं है, इसी तरह से मैं डाल देता हूँ। और ये है जी हमारे कटे हुए फ्रीज टमाटर, और अब हम मसाले भी डाल देंगे, ये थे मसाले। आइए पकता रहेगा, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। ऑयल कम डालेंगे क्योंकि पहले ही ऑयली है, चर्बी वाला है, सो दैट्स व्हाई ऑयल कम यूज करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। चीनी वेज मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, देखिए। ओह नो, ये देखिए। अब हम इसमें टेंडर किए हुए चिंडे डाल देंगे, देखिए वन बाय वन। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और साथ ही लहसुन भी डाल देंगे, और ये हल्का आंच पे पक जाएगा। लस्सी थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत मज़े की पकते हैं बस जिस तरह की टीले, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे। ये देखिए मैंने प्याज साबर डाल दिया था, अब कहाँ है प्याज, मैंने कभी नहीं काटा, आंखों में जाता है ना, सो दैट्स व्हाई जब कभी राइस का बनाना हो तो आई विल कट ना, अदरवाइज मैं नहीं काटता हूँ, फिर काटूंगी वरना नहीं। ओके जी, अब ये हल्का सा आंच पे पकता रहेगा, और उसके बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे, गर्म मसाला, अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोरमा मसाला भी, दोनों मसाले डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। बाद में हम इस पर धनिया और मिर्चें भी छिड़क देंगे। ओके जी, सीख रहे हैं ना कुछ ना कुछ, सीखते रहना चाहिए, इट्स गुड, गुड हैबिट इज। ये देखिए माशाल्लाह, अब हम इसमें गर्म मसाला ऐड कर देंगे, और इसमें आप चाहें तो कोरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टेस्ट आएगा।
बस ये 1 किलो टिंडे हैं और इसमें है 1 किलो से ऊपर बीफ। और हाँ, अब हम ये धनिया डाल देंगे, एक ये ग्रीन चिली है जी, लस्सी जिसे मैंने कटिंग किया हुआ है, और ये धनिया है। अमेजिंग। से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, ये देखिएगा, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं क्योंकि तेज़ हो जाता है स्पाइसी, इतना नुकसान देता है, स्पेशली बच्चों को भी बड़ों को भी देता है। और ये है जी हमारा, ये है विवर्स, ये कोरमा मसाला। आज मैं इसमें कोरमा मसाला भी ऐड करूँगा कि ज़्यादा नहीं, आई थिंक सो कि इतना इनफ। गुड, ये देखिए। और ये भी बस ये है ड्राई धनिया, अगर आपके पास कभी धनिया ज़्यादा आ जाए तो आप उसे धोकर कटिंग करके पंखे के नीचे रख दीजिए, या फिर आप उसे धूप में रख दें, ज़बरदस्त धनिया रेडी हो जाता है। जिस दिन आपके पास धनिया ना हो तो आप ये ड्राई किया हुआ धनिया इजीली यूज़ कर सकते हैं, है ना? अच्छा बात। बस ये देखिए, वाह, जबरदस्त टींडे और गोश्त तैयार हो गया। मेरे एक अंकल थे तो उनका एक कुक था, वो कुक जब भी बाजार जाता, जब घर वापस आता तो वो उससे पूछते कि तुम क्या लाए हो, तो वो कहता हम टींडे लाया। उसे टींडे इतने पसंद थे, टींडे होते भी बड़े मजेदार हैं जी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूं। फाइनली फाइनल टच, ओके जी। बस मजेदार सा टिंडे गोश्त रेडी हो गया, लस्सी। वाओ, अमेजिंग इज दिस। और इसके साथ है सैलेड, सैलेड जरूर खाया कीजिए। और सैलेड के साथ है तंदूर का रोटी, इसके साथ बहुत मजे के लगते हैं टिंडे। वैसे व्हाइट राइस के साथ भी बहुत जबरदस्त लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, मैंने शुरू में आपको बताया है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। इसी तरीके से पकाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से मोहब्बत ज़रूर कीजिएगा, अपने सबका ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं कर रहे, एज यू विश। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।